जय स्टूडेंट, लास्ट वीक की तरह एक और वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिस वीडियो में हमने पिछले हफ्ते जो है बहुत सारे कमेंट्स लिए थे और उस कमेंट्स के ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो सभी स्टूडेंट्स को जो है होती है मोस्टली, और उसका जब आंसर दिया था तो उस वीडियो को बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जो है सराहा और थैंक्स बोला, तो उसके लिए मैं आपको भी थैंक्स बोलता हूँ कि आपने उस वीडियो को पसंद किया। और उसी टाइप का वीडियो आज भी हम लेकर आ रहे हैं। अब हम ये वीकली कंटिन्यू रखेंगे, जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो आपकी परेशानियां हैं उन्हीं को दूर करने के लिए चैनल बनाया है, तो प्राथमिकता यही रहेगी कि आपकी जो भी समस्या है उसको दूर किया जा सके और किसी तरीके से मैं आपके इन कमेंट्स के जवाब दे सकूं। तो चलिए स्टूडेंट, आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हमारे पास, मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला कमेंट्स यहां पर जो हमने लिया है वो है लिया है रेशमी कुमारी का। अभी इन्होंने लिखा है कि सर मेरी एनओएस की बुक्स आ गई है, बट 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट की ही बुक्स उसमें थी, 1 सब्जेक्ट की बुक नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए। जी हाँ रश्मि जी, माफ कीजिएगा रेशमी जी, रेशमी कुमारी जी, बहुत ही अच्छा आपने जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये जो परेशानी है सिर्फ आपकी नहीं है, मैं बोलूँ तो NIUS के हर उस स्टूडेंट की है जिसको बुक्स रिसीव्ड हुई है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को बुक रिसीव्ड हुई है उनको किसी को भी पूरी 5 सब्जेक्ट की बुक्स नहीं मिली है, हार्डली जो है 3 सब्जेक्ट की कंप्लीट बुक होती है या 4 सब्जेक्ट की ही होती है और उनकी 1 या 2 सब्जेक्ट की बुक रह जाती है। अब जैसे यहाँ पे रेशमी जी पूछ रही है कि आप क्या करें जो 1 सब्जेक्ट की बुक नहीं आई है, तो देखिए स्टूडेंट किसी के पास भी अगर बुक्स आई हैं या फिर कोई बुक गलत आ गई है, आपको इंग्लिश की आनी थी उसकी जगह डाटा एंट्री की आ गई है या मैथ्स की आनी थी उसकी जगह फिजिक्स की आ गई है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए आपको मानना पड़ेगा कि जो बुक्स आपके पास अभी आ गई हैं सिर्फ वो ही बुक्स अब आपको मिलेंगी, दोबारा एनओएस से कोई भी बुक्स नहीं आने वाली है। ये चाहे आप थोड़ी सी लापरवाही मानिए एनओएस की, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो भी नोडल से जहां से भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बहुत ही गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि मैं अभी तक देख रहा हूँ 95% बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी बुक नहीं मिली है इस सेशन में जो अप्रैल 2022 में एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए कंप्लेंट भी डाली है हमने एनओएस में। अब धीरे धीरे जो है सिस्टम ठीक भी होता चला जा रहा है, तो देखिए अभी क्या होता है। लेकिन बात यह आती है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम बाकी सब्जेक्ट की बुक कहाँ से लें। तो स्टूडेंट देखो अब आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होने लगे तो हमने क्या करा है कि ऑनलाइन जो अमेजोन में अच्छी बुक्स एनओएस की अवेलेबल हैं, पहले उनको मंगाया, उनको एनालाइज करा, देखा वो बुक्स बहुत अच्छी थी, तो उनको हमने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट में दिया हुआ है। अब अगर आप क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th की हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की मोस्टली बुक्स हमने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे दी हुई है, आपको सिर्फ उसमें क्लिक करना है अपने सब्जेक्ट पे और वो सीधा आपको अमेजोन की वेबसाइट पे लेकर जाएगा जहां पर जो है आप वहां से वो बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम, आगे जो हमारे पास यहाँ पर कमेंट आया है वो आया है भावना पहलानी का। तो भावना जी पूछती है यहाँ पे, सर मुझे स्टडी सेंटर चेंज करना है और मेरे आईडी में स्टडी सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना स्टडी सेंटर चेंज कराना चाहते हैं लेकिन जो है डैशबोर्ड में स्टडी सेंटर चेंज का ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे एग्जामिनेशन फीस का समय नजदीक आ जाता है वैसे वैसे एनओएस के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो अब जो है स्टडी सेंटर चेंज कर सके। उसका कारण ये है क्योंकि TMA के मार्क्स ऑलरेडी 23 नवंबर से ऑनलाइन सबमिट होना शुरू हो गए थे, बीच में अभी टेक्निकल एरर आया है, तो जैसे ही TMA स्टार्ट हो गया है तो अब स्टडी सेंटर को बंद कर दिया है, अब आप अप्रैल 2022 के लिए स्टडी सेंटर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ अगर आपको अप्रैल 2022 में एग्जाम सेंटर का अगर ऑप्शन वहां पे दिखाएगा कि एग्जाम सेंटर आप चेंज कर सकते हो तो उसको आप आगे चल के अपना चेंज कर सकते हो अगर कहीं पे एग्जाम सेंटर आपका चेंज आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है तो एक बार आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क करिएगा, अपनी आईडी भेजिएगा, हम चेक करवा देंगे, अगर वो आपका स्टडी सेंटर चेंज हो रहा है तो जरूर करके देंगे। मोस्टली ऐसा होता है TMA सबमिट होने के बाद जो है स्टडी सेंटर को बदलना एनओएस बंद कर देता है। तो मेरे ख्याल से भावना जी आपको भी आंसर मिल चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो यहाँ पर कमेंट हमें भेजा है वो आया है आपका, ये आईडी से आया है, नाम नहीं लिखा है, सैम गेमिंग करके है X.9। तो लिखते क्या है ये, थैंक यू सो मच सर, बट सर मैं 5th क्लास पढ़ाई करा हूं, अगर घर के हालातों के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सर मुझे 10th 12th पास होना चाहता हूं, एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना चाहता हूं, ओरिजिनल मार्कशीट के साथ पास होना चाहता हूं,
और सर आई नीड योर हेल्प, वेरी गुड। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा और बेस्ट ऑफ लक बोलूंगा आपको कि आपने चूज किया है कि मेरे को अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। और एनआईएस एक ऐसा बोर्ड है जो उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है जिनकी पढ़ाई अधूरे में किसी कारण से, घर के कारणों के, हालतों के कारण या किसी और कारण से आपकी पढ़ाई छूट गई है, तो आप ले सकते हो एडमिशन डायरेक्ट 10th में या 12th में। अगर आपने 10th भी पास नहीं किया है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, हम आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स अपने व्हाट्सएप पर मंगाते हैं, उसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और आपका जिस सिटी में आप हो उसी सिटी में एग्जाम दे सकते हो। घर बैठे बैठे ही आप अपनी क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं थैंक्स बोलूंगा उन सारे स्टूडेंट्स का जिन्होंने हमारे VCIC गुरुजी चैनल को ट्रस्ट दिखाकर इस बार जो है हमारे सबसे ज्यादा एडमिशन्स अप्रैल 2022 वाले सेशन के लिए हुए हैं और पूरे इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर आपका हर राज्य तक हम लोगों को स्टूडेंट मिले हैं। उन सब स्टूडेंट को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया और एडमिशन हमारी हेल्प लेके करा और हमने जो है एक एक स्टूडेंट का एडमिशन प्रॉपरली कंफर्म करा चुके हैं और उनको जो है TMA में और उनकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने में और उनके सिलेबस प्रोवाइड करने में सब चीजों में उनको पूरी तरीके से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो एडमिशन लेना चाहता हो तो हमारे दिए गए नंबर से एक बार संपर्क जरूर करिएगा क्योंकि बहुत कम फीस के साथ में हम आपका पूरा एडमिशन वहां पर करके दे रहे हैं, तो नंबर से जरूर संपर्क करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो कमेंट आया है मेरे पास वो आया है, दो कमेंट एक साथ ले लिया क्योंकि लगभग एक जैसे ही हैं। एक हमें लिखते हैं अली सिराज जी, सर प्लीज गाइड मी, आई नीड टू गेट एडमिशन फॉर क्लास 10। दूसरा कुणाल राजपूत लिखते हैं, अभी भी एडमिशन ले सकते हैं 10th में NIS से। जी हाँ, सबसे पहले तो अली सिराज जी आपको बताऊं, अगर आपको 10th में एडमिशन लेना है तो नथिंग यू हैव टू डू, ओनली जस्ट आप हमको व्हाट्सएप पे संपर्क करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और अपना इसी तरीके से लिखिए आई नीड एडमिशन इन क्लास 10। हम आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप हमको प्रोवाइड करिए, एक आपको फॉर्म देंगे ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, उसे फिल करके आप हम तक पहुंचाइए। आपका बेफिक्र हो जाइए, आपका एडमिशन कंफर्म करके देंगे, आपके सिटी में आप एग्जाम दोगे और आराम से फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई हो जाओगे। दूसरा कुणाल राजपूत जी, आपको बताऊं कि एडमिशन अभी भी हो रहे हैं क्लास 10 के लिए, रजिस्ट्रेशन ओपन है, लेकिन अप्रैल 2022 के लिए नहीं, अक्टूबर 2022 के लिए पब्लिक एग्जाम के लिए। तो यानी कि 10th में एडमिशन लेना है तो जल्दी से संपर्क करिए व्हाट्सएप नंबर पर, हम बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कितनी जल्दी से आपका एडमिशन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आया है हमारे पास कैरी सालुंखे, इन्होंने लिखा है सर वी विल गेट द टॉपिक फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम और नॉट। देखिए बहुत छोटा सा कमेंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जो प्रैक्टिकल हम बना रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए, उसको हमको कहीं से टॉपिक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके कैरी जी मोस्टली तो वेबसाइट्स पर मैनुअल्स अवेलेबल हैं जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो भी आपके होते हैं उनके मैनुअल्स के किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल बनाना है, लेकिन जनरली वो एक बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बताया गया है, जिससे जो है स्टूडेंट समझने में जो है मुश्किल होता है उसे। तो मेरा तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये कहना है कि अगर आपको शॉर्ट प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, हम लोग आपको शॉर्ट प्रैक्टिकल फाइल दे देंगे किसी भी सब्जेक्ट की, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 10th या 12th की। आपको सिर्फ उसमें क्या करना है कि हमको व्हाट्सएप पर अपने जो है सब्जेक्ट मेंशन करके भेजिए और वो प्रैक्टिकल फाइल जो भी सॉल्व होगा वो हम आप तक पहुंचा देंगे और आप आसानी से अपने प्रैक्टिकल बनाकर उनको अपने स्टडी सेंटर में सबमिट कर सकते हैं, माफ कीजिएगा एग्जाम सेंटर में, प्रैक्टिकल जो है एग्जाम सेंटर में सबमिट होंगे। टॉपिक आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, पर्सनली कोई मैसेज नहीं आएगा, NIS का कोई मेल नहीं आएगा कि आपके ये टॉपिक है, आपको खुद ही सर्च आउट करना पड़ेगा, लेकिन हमारी मदद चाहिए तो नंबर पर संपर्क करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोगों का दिया है मोहित शेट्टी जी ने। जी हाँ, ये मोहित शेट्टी जी थोड़े से नाराज लगते हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए स्पेशली मैंने एक कमेंट लिखा है। NIS तो ले रहा है फाइन लेट होने के लिए, चाहे एडमिशन हो या एग्जाम फीस हो, मगर बुक्स ना भेजने के लिए फीस भर के महीनों बाद भी इसका जुर्माना भी क्या स्टूडेंट्स को ही देना है?
जी हाँ, बहुत अच्छा मैसेज और कमेंट इन्होंने लिखा है सभी स्टूडेंट्स की तरफ से। सबसे पहले जी मोहित शेट्टी जी, आपको मेरी तरफ से बधाई। गुस्सा है आपका, नाराजगी है, और बहुत सही नाराजगी आपकी होनी चाहिए। जब तक कोई रोता नहीं है ना छोटा बच्चा, तब तक उसकी माँ से दूध भी नहीं पिलाती है, खाना भी नहीं खिलाती है। तो यानी कि यहाँ पे रोना भी पड़ेगा और अपनी बात भी रखनी पड़ेगी, और बहुत सही बात आपने रखी है कि जहाँ एक तरफ लेट होने पर NOS जो है 1500 रुपए TMA की लेट फीस ले लेता है, और एग्जाम फीस भी लेट फीस वो लेता है, एडमिशन देता है तो एक तारीख के बाद वो लेट फीस लेना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जहां बच्चे प्रॉपर्ली एडमिशन लेके सारा पैसा देके और महीनों तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन तक बुक पहुंच नहीं रही है, और जिन बच्चों के पास बुक पहुंच रही है उनके पास पूरी बुक नहीं पहुंच रही है किसी भी सब्जेक्ट की, तो ये कहीं ना कहीं पे केयरलेस है किसका, NOS बोर्ड के सिस्टम का। NOS बोर्ड के अधिकारी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया इस चीज को आपको बहुत सुधारना होगा, क्योंकि NOS में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट जो है सिर्फ उसी पे डिपेंड होता है, उसको कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। आप लोगों को तो हम यूट्यूबर्स को धन्यवाद देना चाहिए कि हम इन स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं और इनको गाइडलाइन देते हैं, जो कम्युनिकेशन आपका है वो हम इन तक पहुंचाते हैं।